अच्छा, अगर मैं बात करूँ जैसे कि इंडिया की, आपने इंडिया को बहुत खूबसूरत तरीके से देखा, हर एक चीज़ में वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, हर एक चीज़ को लेकर, जैसे कि आपने पता है रिसेंटली आपका खुद का शो आने वाला है और करण जौहर का भी शो था कॉफ़ी विद करण, उसमें हार्दिक पांड्या ने बहुत अलग अलग चीज़ें कही हैं जो मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगी। तो आपको क्या लगता है, ये जो कहा है उन्होंने, वो कहीं ना कहीं सही है या गलत है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने वो एपिसोड देखा नहीं, और मैंने ऐसा सुना है कि हॉटस्टार ने भी वो एपिसोड अभी निकाल दिया है, वो है नहीं एपिसोड। मैंने उसको खोजने की हालांकि कोशिश नहीं की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग सब है ना बहुत ओवर सेंसिटिव हो रहे हैं हर चीज़ को लेके। वुमेन ऑब्जेक्टिफाइंग अगर आपको रोकना है तो सबसे पहले आप ये आइटम नंबर्स रोकिए। वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन अगर आपको रोकना है तो सबसे पहले आप वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जाइए और उनसे कहिए कि वो जो अवार्ड फंक्शंस में जिस तरह के कपड़े पहने जाते हैं उनको बदला करें। आप तो आधी, आई एम सेइंग दिस ऑन टेलीविजन, बट आप आधी नंगी होके अगर आप लोगों के सामने आएंगी और उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं, लोग हमको उस नज़र से, मर्द हमको देखे ही नहीं, तो आप किसके लिए खोल रही हैं अपने आप को? किसकी नज़रों के लिए खोल रही हैं? और जिनके नज़रों के लिए खोल रही है वो अगर आपको देखते हैं तो आप कहती हैं कि वो हमको ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। तो ये किसी एक लेवल की हिपोक्रेसी तो है। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको उस तरह के कपड़े पहनने नहीं चाहिए, लेकिन आप जब भी आप हर एक्शन के साथ उसकी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आती है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर आदमी को उठानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर मैं एक प्लंजिंग नेकलाइन पहन के अगर इस इंटरव्यू के लिए बैठूंगी तो जाहिर सी बात है कि मैं वो प्लंजिंग नेकलाइन आपके लिए तो नहीं पहन रही हूँ। आप देखेंगी, इफ़ यू लुक डाउन माई चेस्ट, हाउ इज़ इट गोइंग टू हेल्प मी? आई एम ऑब्वियसली डूइंग इट फॉर द ऑपोजिट सेक्स। तो अगर मैं उनके लिए कर रही हूँ तो फिर उनके सामने से वो कमेंट्स तो करेंगे ही, तो उन कमेंट्स में क्या बुराई है? और आप टॉकिंग अबाउट राहुल एंड हार्दिक पांड्या, बच्चे हैं ये लोग, इन्होंने ज़िंदगी देखी कहाँ है अभी। ये बहुत अच्छे खेलते हैं, इसलिए नामी क्रिकेटर्स बन गए हैं, बट दे आर बॉयज, यू नो, एंड बॉयज विल बी बॉयज, लेट देम लर्न अ बिट, नॉट मैन विल बी मैन, बॉयज विल बी बॉयज, लेट देम ग्रो अप अ बिट, लेट देम अंडरस्टैंड। अभी तो खेलने कूदने के दिन है उनके। आपने ऐसा कैसा सवाल उनको पूछ लिया कि जिससे वो लोग इतने? रिसेंटली करण जौहर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने जो क्वेश्चंस है उसे मैंने दीपिका को भी पूछे थे, आलिया भट्ट को भी पूछे थे, तो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन ये हार्दिक और राहुल के आंसर्स पे क्यों हो रहा है? क्योंकि आलिया और दीपिका औरतें हैं, वो ऑब्जेक्टिफाइड, वो कुछ भी कहेंगी, लेकिन वो जो हमारे यहाँ जो लिबरेशन फोर्स है वुमेन का, वो उनकी बातों को तो कभी गलत लेगा ही नहीं, बिकॉज वो तो सिंबल्स बनी हुई है ना वुमेन्स लिबरेशन की। लेकिन जैसे ही दो लड़कों ने कुछ बोला उसके बारे में, उनका तो करियर ख़त्म होने पे आ गया। दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ सर्टनली नॉट करेक्ट। आई मीन, हैविंग सेड सो, आई डोंट नो व्हाट दे हैव सेड, पर कुछ कहा होगा बुरा उन्होंने तो उनकी माओं को दो थप्पड़ मारने चाहिए उनको, बट देन द मैटर शुड एंड देयर। बीसीसीआई कैन नॉट बी, यू नो, फिनिशिंग देयर करियर्स लाइक दिस।